थॉट्स एंड एक्शन में आपका स्वागत है। आज हम एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं साल 2000 की मल्टी स्टारर सुपरहिट क्राइम मूवी स्नैच का। तो ये कहानी शुरू होती है बेल्जियम के एंटवर्प शहर से, जहां हम चार ज्यू आदमियों को एक बिल्डिंग में जाते हुए देखते हैं। ये चारों उस बिल्डिंग के एक ऐसे रूम में एंटर करते हैं जहां हीरो का काम होता है और ये हथियार निकाल के वहां मौजूद लोगों को लूट लेते हैं। यहां से ये लोग काफी सारे हीरे और एक नायाब 86 कैरेट का 17 ग्राम वेट वाला बड़ा हीरा भी सुरा लेते हैं। और इस रॉबरी के बाद ये चारों अपनी वैन में वापस आके बैठ जाते हैं और अपनी विग्स और नकली दाढ़ी निकालने लगते हैं। इन्हीं चारों में से एक आदमी का नाम फ्रैंकी फोर फिंगर्स होता है, क्योंकि उसके एक हाथ में केवल चार उंगलियां होती हैं। और फ्रैंकी उस बड़े से हीरे को ध्यान से देखता है। फ्रैंकी उस हीरे को एक ब्रीफकेस में रखता है और अपने साथियों को उसे एयरपोर्ट ड्रॉप करने के लिए बोलता है, ताकि वो लंदन जाके इस हीरे को बेच सके। और उसका एक रशियन साथी उससे उसकी गन मांगता है, क्योंकि वो एयरपोर्ट के अंदर हथियार नहीं ले जा सकता। फ्रैंकी के जाने से पहले वो आदमी उसे पेपर पे लिख के एक आदमी का एड्रेस देता है और कहता है कि अगर तुझे लंदन में कभी कोई हथियार चाहिए होगा तो इस आदमी से कॉन्टेक्ट कर लेना, जिसका नाम बोरिस है। फ्रैंकी के जाने के बाद ये रशियन आदमी बोरिस को कॉल करता है, जो इसका बड़ा भाई होता है, और कहता है कि एक फ्रैंकी नाम का आदमी कुछ दिनों में तेरे पास एक गन खरीदने आएगा, जिसके पास यहाँ से चुराया हुआ करोड़ों डॉलर्स का हीरा है, और तुझे उसे बिना मारे उस आदमी से वो हीरा छीनना है, जिसे बेच के हम बेहद अमीर बन सकते हैं। वो बोरिस को ये भी बताता है कि जुआ खेलना फ्रैंकी की कमजोरी है और तू जुए में डिस्ट्रैक्ट करके उससे वो हीरा छीन सकता है। फ्रैंकी लंदन पहुंच जाता है और अपने लिए नए कपड़े बनवाता है, जब उसे उसके बड़े भाई आवी का न्यूयॉर्क से फोन आता है और वो फ्रैंकी को वो हीरा लेके डग नाम के एक बड़े ज्वेलर के पास ले जाने को बोलता है, जो उससे वो हीरा खरीदेगा। पर फ्रैंकी डग के पास जाने से पहले बोरिस के पास जाता है और अपनी सिक्योरिटी के लिए एक रिवॉल्वर खरीदता है, जिसके लिए बोरिस उससे पैसे नहीं लेता। बोरिस फ्रैंकी को कहता है कि मुझे पे करने की जगह तू मेरी तरफ से कल होने वाले एक इलीगल बॉक्सिंग मैच में पैसे लगा सकता है, क्योंकि मुझे पता है कि कल कौन सा फाइटर जीतने वाला है, पर मैं उस मैच में नहीं जा सकता क्योंकि मुझे उस फाइट के ऑर्गेनाइजर को पैसे देने हैं। और गैम्बलिंग एडिक्ट होने की वजह से फ्रैंकी इस बेटिंग के लिए मान जाता है। फ्रैंकी के जाने के बाद बोरिस एक सॉल नाम के आदमी के पास जाता है, जो अपने भाई विनी के साथ एक पॉन शॉप चलाता है, और वो उन्हें फ्रैंकी को लूटने का काम देता है और कहता है कि वो आदमी आज रात एक गैम्बलिंग डेन में जाएगा, जिसे तुम्हें बिना नुकसान पहुंचाए लूटना है और उसके पैसे और ब्रीफकेस छीनना है, जिस काम के लिए वो उन्हें 10,000 pounds देगा। और सॉल इस काम के लिए तुरंत मान जाता है और अपने भाई विनी को भी रात को इस लूट के लिए रेडी रहने को बोलता है, जिसने अभी रिसेंटली जिप्सी इलाके से एक कुत्ते को अडॉप्ट किया होता है और सॉल को उसका ये डॉग बिल्कुल पसंद नहीं होता। नेक्स्ट सीन में हम टर्किश नाम के एक आदमी और उसके पार्टनर टॉमी को देखते हैं, जो दोनों जुआ खेलने वाली स्लॉट मशीन्स और इलीगल बॉक्सिंग के लिए बॉक्सर्स अरेंज करने का काम करते हैं, और ये दोनों अपने एक बॉक्सर को उसकी अगली फाइट के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। यहाँ टर्किश टॉमी से कहता है कि उसकी कैरेवन वैन बेहद बुरी हालत में है और नेक्स्ट फाइट से पहले उसे एक नई कैरेवन चाहिए होगी। टॉमी टर्किश के लिए कैरेवन लेने अपने एक बॉक्सर के साथ जिप्सीज के इलाके में जाता है, जो लोग कैरेवन्स में ही रहते हैं और हमेशा एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। टॉमी जिप्सीज के लीडर से मिलता है, जिसका नाम मिकी होता है, और वो मिकी को पैसे देके उससे एक नई कैरेवन खरीद लेता है। मिकी के कजन्स उस कैरेवन को टॉमी की कार के पीछे फिक्स कर देते हैं, पर जैसे ही टॉमी और उसका बॉक्सर अपनी कार स्टार्ट करके आगे बढ़ते हैं, तभी उस कैरेवन के टायर और स्पेयर पार्ट्स टूट के निकल जाते हैं, जिसका मतलब मिकी ने उन्हें डैमेज्ड और पुरानी कैरेवन बेच दी थी। और टॉमी मिकी से अपने पैसे वापस मांगता है। मिकी कहता है कि वो बिका हुआ सामान कभी वापस नहीं लेता, पर वो टॉमी के साथ आए लंबे चौड़े बॉक्सर को एक बॉक्सिंग मैच का ऑफर देता है और कहता है कि अगर वो हार गया तो वो टॉमी को उसके सारे पैसे वापस दे देगा, और टॉमी मान जाता है क्योंकि उसका बॉक्सर साइज में मिकी से 3 गुना बड़ा होता है। एज एक्सपेक्टेड मैच शुरू होते ही वो बॉक्सर मिकी को पीटने लगता है, पर मिकी अपने यहाँ का एक लेजेंडरी और अनडिफीटेड चैंपियन होता है, और वो बस एक पंच में ही टॉमी के बॉक्सर को नॉकआउट कर देता है, जो देख के टॉमी सदमे में चला जाता है। टॉमी बेहद मुश्किल से जिप्सीज के इलाके में से बच के टर्किश के पास पहुंचता है और बताता है कि मिकी नाम के एक जिप्सी ने उनके बॉक्सर को एक पंच में ही हॉस्पिटल पहुंचा दिया, और टर्किश और टॉमी अगले दिन मिकी से मिलने उसके वहां आते हैं। टर्किश और टॉमी मिकी से कहते हैं कि अगर वो उनके लिए फाइट करे तो वो उसे अच्छा पैसा पे करेंगे, पर मिकी कहता है कि उसे पैसा नहीं बल्कि अपनी माँ के लिए एक ब्रांड न्यू कैरेवन चाहिए, और टर्किश उसे फाइट के बाद एक नई कैरेवन देने के लिए मान जाता है।
टर्किश और टॉमी वहां से अपने बॉस और लंदन की गैम्बलिंग दुनिया के सबसे बड़े आदमी ब्रिक टॉप से मिलते हैं, जो जंगली कुत्तों से लेकर इंसानी फाइट तक हर चीज पे जुआ खेलता और कंट्रोल करता है। और टर्किश उसे बताता है कि उनका पुराना बॉक्सर इंजर्ड है, इसलिए वो कल की फाइट में एक हल्के वेट के नए बॉक्सर को ला रहे हैं। पर लास्ट मिनट पे बॉक्सर चेंज करने से ब्रिक टॉप नाराज हो जाता है और कहता है कि मैं ये फाइट अपने रेगुलर कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स के लिए ऑलरेडी फिक्स कर चुका हूं, और तुम्हारे इस नए बॉक्सर को मेरे बॉक्सर से फोर्थ राउंड में हारना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हम फ्रैंकी को देखते हैं, जो बड़े हीरे को छोड़ के सभी छोटे हीरे बेच देता है, और उसके बाद वो बोरिस की बताई हुई उस जगह पे आ जाता है जहां आज बॉक्सिंग मैच पे बैटिंग करी जाएगी। सॉल और विनी भी उस डॉग और टायरोन नाम के अपने एक मोटे से साथी के साथ उस गैम्बलिंग डेन के बाहर पहुंच जाते हैं, जिन्हें बोरिस ने फ्रैंकी को लूटने के लिए हायर किया है। ये ब्रीफकेस कैरी करे हुए चार उंगलियों वाले एक आदमी का वेट करने लगते हैं, पर काफी देर तक इंतजार करने पर भी इन्हें फ्रैंकी जैसा कोई आदमी नजर नहीं आता। और सॉल और विनी हथियार लेके उस गैम्बलिंग डेन के अंदर घुस जाते हैं और टायरोन बाहर कार में उनका इंतजार करने लगता है। अंदर जाके ये दोनों एक रिसेप्शनिस्ट को लूटने का सोचते हैं, पर उसके पास ज्यादा पैसे नहीं होते क्योंकि बैटिंग खत्म हो चुकी होती है, और वो लड़की पैनिक बटन प्रेस करके उस ऑफिस को लॉक कर देती है। सॉल और विनी बाहर निकलने के लिए पैनिक करने लगते हैं और इधर उधर गोलियां भी चलाते हैं। साथ ही उन दोनों की वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरा में भी आ जाती है, और जब उन दोनों को लगता है कि वो दोनों यही बंद हो चुके हैं, तभी टायरोन बाहर से उनके लिए दरवाजा खोल देता है और वो दोनों बाहर भाग जाते हैं। वहां से भागते हुए उनकी कार फ्रैंकी की वैन को टक्कर मारती है, और फ्रैंकी को देखते ही वो उसे बेहोश करके उसका ब्रीफकेस छीनने लगते हैं, पर उसने उस ब्रीफकेस को अपने हाथ से बांध के रखा होता है, इसलिए वो तीनों फ्रैंकी को ही ब्रीफकेस समेत अपनी कार में डाल के वहां से भाग निकलते हैं। वहीं अंडरग्राउंड बॉक्सिंग रिंग में टर्किश और टॉमी बिग टॉप के फाइटर से लड़ने के लिए मिकी को लाते हैं और उसे समझाते हैं कि उसे चौथे राउंड में हारना पड़ेगा। पर मैच शुरू होते ही आदत से मजबूर फ्रैंकी ब्रिक टॉप के फाइटर को एक ही पंच में बेहोश कर देता है। इतनी छोटी और अनप्रिडिक्टेबल फाइट देख के सब लोग शॉक में होते हैं, और ब्रिक टॉप के सभी दोस्त और इन्वेस्टर्स जिन्होंने उसके कहने पर मिकी के हारने पर पैसे लगाए थे उसे गालियां देने लगते हैं और उससे अपने पैसे वापस मांगते हैं। ब्रिक टॉप बेहद इंसल्टेड फील करता है और टर्किश को ढूंढने लगता है, क्योंकि उसके कहने पर भी टर्किश का फाइटर नहीं हारा। ब्रिक टॉप एक खतरनाक आदमी है जिसका एक बड़ा गैंग होता है, जो गैम्बलिंग के सिवा और भी कई तरीके के इलीगल काम करता है, और टर्किश भी समझ जाता है कि ब्रिक टॉप अब उसे नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो अपने घर आके अपने लॉकर में से सेव करे हुए पैसे निकालता है ताकि इंग्लैंड छोड़ के भाग सके। पर ब्रिक टॉप भी अपने आदमियों के साथ वहां आ जाता है और टर्किश से कहता है कि आज क्राइम वर्ल्ड में तेरी वजह से मेरी बेहद इंसल्ट हुई है, और तुझे अपने उस जिप्सी फाइटर को दोबारा एक फाइट के लिए बुलाना पड़ेगा। वो कहता है कि मैं अब पहले से और बड़ी फाइट रखने वाला हूँ, और इस बार तेरे फाइटर को फिफ्थ राउंड में हारना पड़ेगा, वरना मैं तुझे टॉमी और तेरे उस फाइटर को जान से मार दूंगा। जो कह के ब्रिक टॉप टर्किश से उसके पैसे छीन के वहां से चला जाता है। टर्किश और टॉमी एक बार फिर मिकी से मिलते हैं और कहते हैं कि अगर तू एक बार और हमारे लिए फाइट कर ले तो हम तुझे सबसे मॉडर्न कैरेवन गिफ्ट में देंगे। पर मिकी अपने कजन से डिस्कशन करने के बाद उन्हें फाइट लड़ने के लिए मना कर देता है। उधर डग फ्रैंकी के बड़े भाई आवी को बताता है कि फ्रैंकी कल रात से मिसिंग है और वो हीरा बेचने उसके पास आया ही नहीं, और आवी फ्लाइट लेके फौरन न्यूयॉर्क से लंदन आ जाता है, और वो डग के कहने पर फ्रैंकी को ढूंढने के लिए एक टोनी नाम के कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर करता है, जिसे लंदन के अंडरवर्ल्ड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट सीन में हम सॉल, विनी और टायरोन को देखते हैं, जिन्होंने अपनी पॉन शॉप में फ्रैंकी का मुंह ढक के उसे एक चेयर से बांधा हुआ है, और वो बोरिस को भी फोन करके वहां बुलाते हैं। बोरिस वहां आके सॉल और विनी को पैसे देता है, पर वो कहते हैं कि उन्होंने हीरे का साइज देख लिया है और इतने बड़े हीरे के लिए बोरिस उन्हें बेहद कम पे कर रहा है। पर इस कॉन्वर्जेशन में वो लोग बोरिस का नाम ले लेते हैं, जिसके बाद बोरिस अपनी गन निकाल के फ्रैंकी को सर में शूट कर देता है, क्योंकि उसने शायद बोरिस का नाम सुन लिया था। और बोरिस फ्रैंकी का हाथ काट के उस हाथ से बंधा ब्रीफकेस भी उठा लेता है, और वो सॉल और विनी को कुछ वैसे देख के कहता है कि इस डेड बॉडी को कहीं फेंक देना, और अगर तुमने इस आदमी या हीरे की बात किसी से दोबारा कही तो मैं तुम लोगों को शूट करके मार डालूंगा। बोरिस के जाने के बाद हम देखते हैं कि ब्रिक टॉप वो वीडियो रिकॉर्डिंग देखता है जिसमें कल रात सॉल, विनी और टायरोन उसके गैम्बलिंग ऑफिस को लूटने के लिए आए थे, और वो अपने आदमी को कह के उनकी पॉन शॉप को ढूंढ निकालता है।
ब्रिकटॉप उनकी शॉप में आके फ्रैंकी की डेड बॉडी देखता है और कहता है कि मेरी गैम्बलिंग की जगह पे हाथ डाल के तुम लोगों ने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है। और वो अपने आदमियों को कह के खून की शीटों से बचने के लिए प्लास्टिक शीट्स लगवाता है ताकि इन सब की बॉडीज को यहीं चॉप किया जा सके, जो देख के ये तीनों कांपने लगते हैं। और विनी ब्रिकटॉप से कहता है कि जिस आदमी की डेड बॉडी हमारी शॉप में है, इसके पास एक इतने बड़े साइज का हीरा था जो आज तक किसी ने नहीं देखा होगा, और अगर तू हमें जीने दे तो हम तुझे वो हीरा लाके दे सकते हैं। ब्रिकटॉप कहता है कि तुम लोगों के पास 2 दिन का टाइम है, और अगर तब तक मुझे वो हीरा नहीं मिला तो मैं तुम्हारे साथ तुम लोगों की फैमिलीज को भी मरवा दूंगा। और उसके जाने के बाद सॉल अपने साथी टायरॉन को बोरिस के घर पे नजर रखने को बोलता है ताकि उसके घर आने पर ये लोग उससे वो हीरा छीन सकें। उधर आवी टोनी के साथ फ्रैंकी और हीरे को हर जगह ढूंढने लगता है, और टोनी एक खबरी को डरा के ये पता कर लेता है कि फ्रैंकी को सॉल और विनी ने किडनैप करके रखा हुआ है। और वो दोनों सॉल की पॉन शॉप में चले जाते हैं, और फ्रैंकी और हीरे को मिसिंग देख के टोनी सॉल के सर पे गन लगा देता है, और सॉल उन्हें बता देता है कि बोरिस ने फ्रैंकी को शूट करके मारा है, और उसी के पास फ्रैंकी का ब्रीफकेस है जिसमें इस वक्त हीरा है। और टोनी और आवी वहां से चले जाते हैं। टर्किश ब्रिकटॉप को कॉल करके बताता है कि मिकी ने फाइट लड़ने से मना कर दिया है, पर ब्रिकटॉप कहता है कि मिकी को ये फाइट लड़नी ही पड़ेगी, और वो मिकी की माँ और उसकी कैरवान को सोते हुए जलवा देता है, जिसकी वजह से मिकी की माँ की डेथ हो जाती है। और मिकी इस बात से बेहद हर्ट होता है, और उसके कजन्स उसे आग में कूदने से रोकते हैं। इस इंसिडेंट के बाद मिकी चुप रहने लगता है, और जब अगले दिन टर्किश और टॉमी उससे मिलने आते हैं तब मिकी उनसे कहता है कि वो फाइट लड़ने के लिए रेडी है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि ब्रिकटॉप के आदमी उसकी माँ की तरह उसकी कम्युनिटी के किसी और आदमी की जान ले। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बोरिस वो हीरा बेचने के लिए डग की शॉप में आता है, और डग उसे सीसीटीवी में देख के तुरंत आवी और टोनी को अपनी शॉप में बुला लेता है, जो बोरिस को सारे शहर में ढूंढ रहे थे। आवी अपने बॉडीगार्ड और टोनी के साथ बोरिस को पकड़ लेता है, और उसे इंजर्ड करके अपनी कार की डिग्गी में डलवाता है, जिसके बाद ये सब बोरिस के घर आते हैं, और उसके घर की तलाशी लेने पे इन्हें वो हीरा मिल जाता है। टायरॉन सॉल और विनी को फोन करके बोरिस के घर बुलाता है, और उन्हें बताता है कि बोरिस इन लोगों की कार की डिग्गी में बंद है, और जरूर इन लोगों ने बोरिस से वो हीरा छीन लिया है। जब आवी और टोनी हीरा लेके बाहर आते हैं तब ये तीनों अपनी कार से उनका पीछा करने लगते हैं। सेम रोड पे से टर्किश और टॉमी भी मिकी से मिलके वापस आ रहे होते हैं, जो किसी बात पे बहस करने लगते हैं, और टॉमी गुस्से में टर्किश का मिल्क का कार्टन उससे छीन के बाहर फेंक देता है, जो टोनी और आवी की कार पे गिरता है, और आगे ना देख पाने की वजह से उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में आवी का बॉडीगार्ड भी इंजर्ड होता है, और टोनी देखता है कि एक्सीडेंट की वजह से उनकी कार की डिग्गी खुल गई है, और बोरिस उसमें से बाहर आ गया है, जिसका मुंह ढका हुआ है और वो कुछ देख नहीं पा रहा। और तभी पीछे से आ रहे विनी और सॉल की कार रोड पे वॉक करते हुए बोरिस को उड़ा देती है। आवी और टोनी अपनी कार छोड़ के पास ही के एक बार में जाते हैं, जहां आवी उस हीरे के ब्रीफकेस के साथ वॉशरूम जाता है, और टोनी फोन करके अपने लिए एक दूसरी कार मंगवाता है। उधर बोरिस कार एक्सीडेंट में इंजर्ड होने के बाद भी बच निकलता है, और अपने घर जाके एक असॉल्ट राइफल निकाल लाता है। उस बार के बाहर सॉल, विनी और टायरॉन मास्क पहनते हैं, और अंदर जाके फेक हैंडगन्स के साथ डरा के टोनी से वो हीरा मांगते हैं, पर टोनी उन तीनों से जरा भी नहीं डरता और कहता है कि तुम अपनी नकली गन से मुझे शूट नहीं कर पाओगे, पर मैं अपनी हैंडगन से तुम तीनों को यहीं खत्म कर सकता हूँ। वो तीनों समझ जाते हैं कि टोनी से उलझना पागलपन है, इसीलिए वो बार से बाहर जाने लगते हैं, पर एग्जिट पे ही उन्हें हीरे के ब्रीफकेस के साथ आवी दिख जाता है, और वो उसे डरा के वो हीरा मांगते हैं। और दूसरी तरफ से बोरिस भी अपनी राइफल आवी पे पॉइंट करके उससे वो हीरा मांगने लगता है। टोनी बार के अंदर से ये सारा शोर सुनता है, और वो आवी को नीचे झुकने को कहता है, और बाकी सब फायरिंग करता है, और बोरिस भी गोलियां चलाता है। टोनी इस शूटआउट में बोरिस को मार डालता है, और टायरॉन के पैर में गोली लगती है, पर विनी और सॉल आवी से वो हीरा छीन के भाग जाते हैं। टोनी टायरॉन को शूट करने की धमकी देता है, और टायरॉन उसे उन दोनों की लोकेशन बता देता है, और टोनी जल्द ही उन दोनों तक पहुंच जाता है, और वो दोनों कहते हैं कि उन्होंने हीरा अपनी पॉन शॉप में छिपाया है। आवी और टोनी उन दोनों को गन पॉइंट पे पॉन शॉप में ले जाते हैं, जहां विनी का वो जिप्सी एरिया से आया अडॉप्टेड डॉग भी होता है, और काफी ढूंढने के एक्टिंग करने के बाद ये दोनों कहते हैं कि शायद इस डॉग ने हीरा खा लिया है, क्योंकि अगर उन्होंने हीरा ब्रिकटॉप को नहीं दिया तो वो उनकी फैमिलीज को मरवा देगा। पर आवी अब पैनिक करने लगता है, और वो टोनी को इस डॉग को काट के उसके पेट में से हीरा निकालने के लिए बोलता है, और जब टोनी उस डॉग का पेट काटने के लिए चाकू निकालता है तब विनी उन्हें बता देता है कि हीरा उसी के पास है, और डॉग को बचाने के लिए विनी वो हीरा आवी को दे देता है।
आवी हीरा देख के बेहद खुश होता है, पर तभी वो डॉग उसके हाथ से हीरा छीन के निकल जाता है और आवी उस डॉग पे कई राउंड्स फायरिंग करता है, जिससे डर के वो डॉग उस ऑफिस की खिड़की से बाहर भाग जाता है। आवी ने उस डॉग को मारने के लिए कई राउंड्स फायर किए होते हैं और वो नोटिस करता है कि इस सब में उसने गलती से टोनी को शूट कर दिया होता है और इंग्लैंड में किसी मर्डर केस से बचने के लिए वो फौरन फ्लाइट लेके वापस अमेरिका भाग जाता है। उधर हम बॉक्सिंग रिंग को देखते हैं, जहां मैच देखने के लिए लोगों की भीड़ आ रही होती है। मैच से पहले ब्रिक टॉप मिकी से मिलने आता है और उसे रिमाइंड कराता है कि आज उसे फिफ्थ राउंड में हारना होगा, वरना उसे आदमी जो मिकी के एरिया में हथियारों के साथ खड़े हैं वो मिकी के एरिया के हर एक जिप्सी को मार देंगे, जैसे उन्होंने मिकी की माँ को मरवाया था। इसके बाद वो बॉक्सिंग मैच शुरू होता है और ब्रिक टॉप का बॉक्सर मिकी पे पंचेस बरसाने लगता है और वो काफी देर तक मार खाता है और काफी इंजर्ड भी होता है। पर फोर्थ राउंड में मिकी उस बॉक्सर को एक जोरदार पंच मार के नॉकआउट कर देता है और सभी लोग ये देख के शॉक में होते हैं। टर्किश और टॉमी समझ जाते हैं कि अब ब्रिक टॉप उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो दोनों मिकी को लेके उस बॉक्सिंग रिंग से बाहर भागने लगते हैं। उधर हम देखते हैं कि ब्रिक टॉप अपने आदमियों को कह के मिकी के एरिया के लोगों को मारने के लिए बोलता है, पर मिकी के कजिन्स ने वो एरिया पहले ही खाली करवा दिया होता है और वो लोग ब्रिक टॉप के सभी आदमियों को पीछे से एम्बुश करके शूटिंग में मार गिराते हैं। अपने आदमियों के मरने की आवाजें जब वो फोन पे सुनता है तब वो वहाँ से भागने का सोचता है, पर मिकी के कजिन्स बाहर उसी की वैन में उसका वेट कर रहे होते हैं और वो लोग ब्रिक टॉप को भी वहीं शूट करके खत्म कर देते हैं। टर्किश और टॉमी समझ ही नहीं पाते कि ये क्या हुआ है और मिकी अपने कजिन्स के साथ वैन में बैठ के वहाँ से चला जाता है। मिकी के जाने के बाद उन्हें समझ आता है कि उसने अपनी माँ की मौत का बदला लेने के लिए काफी पहले ही ब्रिक टॉप को मारने का प्लान कर लिया था। दरअसल मिकी इन फाइट्स पे अपने ही ऊपर पैसे लगाता था और पिछली दो फाइट्स जीत कर अब वो काफी पैसे कमा चुका है, इसलिए जब अगले दिन टर्किश और टॉमी मिकी से मिलने आते हैं तब वो देखते हैं कि मिकी और सारी जिप्सी पॉपुलेशन अब वहाँ से जा चुकी है और वो जगह बिल्कुल खाली पड़ी है। कल रात को इस जगह बेहद खून खराबा हुआ था, इसलिए वहाँ पे कई पुलिस वाले भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, जो टर्किश और टॉमी से उस जगह आने की वजह पूछते हैं। तभी टर्किश को वो डॉग नजर आता है जो कल आवी के साथ हीरा निकल के भागा था और पुलिस से बचने के लिए वो कहते हैं कि वो दोनों अपने डॉग को यहाँ वॉक करवाने के लिए लाए थे और टॉमी पुलिस वालों को दिखाने के लिए उस डॉग के साथ फ्रेंडली बिहेव करने लगता है और पुलिस वाले उनकी गाड़ी की तलाशी लेने के बाद उन्हें वहाँ से अपने डॉग के साथ जाने के लिए कहते हैं और वो तुरंत उस डॉग को लेके जाने लगते हैं। सॉल और विनी को भी पता होता है कि वो डॉग जरूर जिप्सीज के इलाके में वापस जाएगा, इसीलिए वो दोनों भी वहाँ आते हैं, पर पुलिस उनकी कार की तलाशी लेती है जिसकी डिग्गी में उन्हें फ्रैंकी की डेड बॉडी मिलती है और अरेस्ट होते समय वो दोनों टर्किश और टॉमी के साथ जाते हुए उस डॉग को देखते हैं, जिन्हें पता भी नहीं होता कि उस डॉग के पेट में एक हीरा है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि टर्किश और टॉमी डग के सामने बैठे हैं और उसे बता रहे हैं कि कैसे उनका डॉग बीमार हो गया था जिसके पेट में से उन्हें ये हीरा मिला है और डग उनकी कहानी पे बिलीव करने के बाद उन दोनों को उस हीरे का हाफ अमाउंट देके वो हीरा परचेज कर लेता है और उनके जाने के बाद वो आवी को कॉल करता है जो टॉमी को मारने के बाद अमेरिका भाग गया था और आवी डग का कॉल रिसीव करते ही अमेरिका से तुरंत इंग्लैंड आने के लिए फ्लाइट बोर्ड कर लेता है। एक और ऐसी ही क्राइम थ्रिलर के लिए लेफ्ट या राइट में दिख रही वीडियो पे क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स इन एक्शन।